तो इन श्लोकों में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि एक शिशु की अवस्था कितनी ट्रबलसम दयनीय होती। आप लोगों ने पिछले कुछ श्लोकों में देखा होगा, और इस श्लोक में स्पेशली प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी भक्ति में प्रगति को लेकर सीरियस हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि जो फोर रियल प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, दे आर वेरी पेनफुल, वी शुड ऑलवेज कीप इन अवर माइंड। जैसे यहाँ पे स्पेशली शिशु का वर्णन कर रहे हैं, जब शिशु जन्म लेता है तो पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कई बार कि वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। या एंड स्पेशली अगर हम देखें तो हमने, हर किसी ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है, संघर्ष देखा है, बट कुछ समय के बाद माया का ऐसा प्रभाव कि फिर हम उसी तरह उसी स्टाइल में अपनी लाइफ जीने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पेशली लिखते हैं कि जो भी भक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति करना चाहता है, वो इन चीजों को गंभीरता से ले, द फोर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बोलिए, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। स्पेशली अगर हम यहाँ पे इस बात पे चर्चा करें, मुख्यतः प्रॉब्लम तो बहुत सी हैं, हम डिस्कस कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट भक्ति में कैसे हम गंभीर बने, गंभीरता कैसे आए भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम गंभीर कैसे। जैसे कॉलेज या स्कूल का कोई स्टूडेंट, तो पता है एग्जाम अभी आने वाले हैं, अक्टूबर चल रहा है, दिवाली में अक्टूबर निकल जाएगा, आधा नवंबर भी ऐसे निकल जाएगा, और फरवरी लास्ट से मार्च में एग्जाम, 3-4 महीने हैं उसके पास, तो बताया जाता है ताकि वो सीरियस हो। बच्चे के दिमाग में जब तक नहीं रहेगा टाइम के, बोले इतना ही बचा है मेरे पास, एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो जो उसका इफेक्ट होगा वो मुझे ही फेस करना पड़ेगा आगे कॉलेजेस में और आगे फिर जॉब वगैरह के लिए, राइट। तो बच्चा उस आगे आने वाली समस्याओं को समझ पाता, अगर मैं ऐसा नहीं किया, नहीं प्रिपेयर हुआ, तो मेरे लिए दिक्कतें, मुसीबतें बढ़ सकती। जो भी समझदार बुद्धिमान बच्चा होता है, भले ही उसने अभी तक नहीं पढ़ा उतना सीरियसली, बट अभी वो अपने टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर, पढ़ने की कोशिश करता ताकि वो अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सके। इन द सेम अगर हम सब अपने स्पेशली जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखिए, हमें पता रहता है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। इन द सेम वे जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, हमें पता चलता है लाइफ की गंभीरता को लेकर, मनुष्य जीवन को महत्व को लेकर, और स्पेशली इस अध्याय में हम सब देख रहे हैं कितना पेनफुल सिचुएशन है जीव का। देयरफॉर हम सब ने यहाँ पे समझा होगा कि हाउ बर्थ इज पेनफुल, जल्दी लोग समझ नहीं पाते बर्थ पेनफुल कैसा है, क्यों कहते बर्थ को पेन, डेथ पेनफुल है, यस हर कोई देख पा रहा है, ओल्ड एज पेनफुल है, डिसीज होता है तो पेन होता है, पेनफुल है, बट हाउ बर्थ इज पेनफुल ये हर कोई नहीं समझ पाता। बट यहाँ पे जैसा एक्सप्लेन किया गया है बच्चे की स्थिति अलग अलग सिचुएशंस में, वी शुड यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि यस बर्थ इज पेनफुल, एंड भागवत तो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें भी दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि भक्ति में हमें गंभीरता से आगे बढ़ना है, भक्ति करनी। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, बट फिर भी सारी चीजों को देखते हुए करते हुए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में किसी भी तरह की लीनियंसी या लापरवाही नहीं लेना। भक्ति में गंभीरता कैसे विकसित करें, कैसे हम गंभीर बने भक्ति में, तो स्पेशली जो भक्त भक्ति में सीरियस हैं, गंभीर हैं, उनका एसोसिएशन लें। जो चीजें आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पे भागवतम क्लास में, भगवद्गीता क्लास में, जो भी चर्चाएं करते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद बुक्स, वहां पे कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा 1 मिनट रुक के सोचिए,
क्या कहा जा रहा है, मुझे क्या सीखना है और कैसे जीवन में अप्लाई। कई बार होता है कि यस हम रोज सुन रहे होते हैं, बट वो एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है। हाँ सुनना है, चलो बैठ गए, राइट, वो भी अच्छा है, फायदा करेगा। लेकिन जब हम कॉन्शियस होकर सुनते हैं, यहाँ पे जो बातें बोली जा रही उन्हें समझते हैं और जीवन में उतार, तो फिर आपको जल्दी हेल्प होता है आगे बढ़ने। तो सीरियस गंभीर भक्त उनका संग करें, जो चीजें आप सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं उससे सोचिए, समझिए, नहीं आ रहा डिस्कस करें। और स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा जप है, जप के समय हम कोशिश करें कि उस समय ऐसा कोई इंगेजमेंट ना हो, ताकि हम जप को अच्छे से ध्यान पूर्वक कर, है ना, मोबाइल भी कुछ देर के लिए साइड में रख दो, साइलेंट कर, नेक्स्ट अगले 1.5 घंटे तक, 2 घंटे जब आप मॉर्निंग में जप कर, है ना, और आपको लगता है कि इस बीच ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, उसको पहले ही सेटल कर लें या कुछ ऐसा मैनेज करें ताकि उस पर्टिकुलर जब का टाइम डिस्टर्बेंस ना। और एक बढ़िया साफ सुथरी जगह पे अच्छे से बैठ के नीचे और ध्यान पूर्वक जब, मतलब यस प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करें, यही एक मार्ग है जो हमें हमारी खोई हुई जो स्मृति है याद दिलाएगा। क्योंकि हम इस भौतिक संसार में माया के ऐसे आवरण में कि हमको पता ही नहीं, होश ही नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्यक्ति इतना पीड़ भी रहा होता है प्रकृति के 3 क्लेशों में और इतनी मिजरेबल सिचुएशन होती है, फिर भी देखिए वो उसी चीज को लगा होता है सुधारने का प्रयास करने। प्रभुपाद बोलते, वी कैन नेवर लिव हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार से दुखाले, हम उसे दुखाले बनाने की कोशिश में लगे, देखिए माया हमसे क्या करवा रही। भगवान ने क्लियरली बोला, दिस वर्ल्ड इज दुखाले, है ना। ऐसा नहीं कि आपका मटेरियल सिचुएशन, अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाता है, आपको फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं और जो भी हम सब सोचते हैं, ऐसा होने से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, नो नेवर। भागवत में एग्जाम्पल आता है, नाम भूल रहा हूँ मैं, उनके पास हर चीज बेस्ट क्वालिटी, अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे घर परिवार संबंधी और अच्छा फाइनेंशियल, स्टिल वो खुश नहीं थे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, स्टिल वही डिसअपॉइंटेड, दुखी, हराज, बिकॉज दिस इज नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। आप एक्सटर्नली बॉडी का कितना भी नरिशमेंट कर ले, जब तक सोल का नरिशमेंट नहीं होगा, तब तक हम वो उत्साह, वो उमंग महसूस नहीं करें, है ना। सो इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ हैप्पी, मेक योर सोल हैप्पी, मींस आप अपने सोल पे काम करिए, उसे प्रयास करें, जो उसका फूड है भगवान परमात्मा, हमारी आत्मा, जब तक हम उसका लिंक नहीं बिठाएंगे तब तक नरिशमेंट उसका होगा नहीं। नरिशमेंट सोल का होता है जब हम ऐसे साथ में आके भागवतम चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं को डिस्कस करते हैं, जप करते हैं, राइट। ऐसा करने से हम उस दिव्य आत्मा को हम नरिश करेंगे, और जब हम ऐसा करते रहेंगे तो एक्सटर्नली भले भी सिचुएशन कैसे हैं, आपने अगर पहले भी अगर कुछ रामायण महाभारत के सीरियल देखे होंगे, स्पेशली रामायण जो रामानंद सागर ने बनाई, आप देखेंगे ऋषि मुनि बहुत ही सिंपल से कुटिया या झोपड़ी में रहते थे, बट बड़े बड़े राजा आके उनके चरण से झुकते थे, शेल्टर लेते, राइट। बिकॉज जो राजा बुद्धिमान है, वैदिक है, वो समझता है कि साधुओं की क्या तपस्या का क्या बने, बिकॉज वो पूरी तरह से भगवान में लगे हुए हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता वो झोपड़ी में रहे कहाँ रहे, दे आर लिविंग जस्ट टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा के लिए वो जी रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, राइट। तो एक इतनी बड़ी गद्दी में सोने के सिंहासन में बैठा राजा, और एक जो साधु जो कि एक जंगल में कहीं साइड में छोटी झोपड़ी में रहता है, उनके आके चरण छू, देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, बट पावर कहाँ है साधु के पास, राइट।
सीधी बात है, आप भी समझिए कि हमारा क्वालिफिकेशन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आते हैं जो ऑलरेडी पावरफुल है, तो हम अपने आप ही हमें भी उस नज़र से देखा जाता है, रिस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोसाइटी का जो वेल नोन पर्सन होगा, अच्छा ये उस एरिया का, और आपको उससे अच्छा फ्रेंडशिप है, तो लोग आपको भी अच्छा रिस्पेक्ट देंगे उस नज़र से देख, राइट। तो कहने का आशय ये हमारा कि परिस्थितियां ऐसी बहुत सी होंगी जहां पे हम देखेंगे कि चैलेंजेस रहते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ फैमिली के होते हैं, कुछ सोसाइटी या ऑफिस के होते हैं, दैट इज क्वाइट नेचुरल, और चीज़ें बनी रहेंगी। समुद्र में देखे कंटिन्यूस वेव्स आती रहती हैं, कई बार ज़्यादातर छोटी, कभी कभी बड़ी भी आती, राइट। लेकिन दिस इज नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, वेव्स आती रहेंगी, बट जो भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर है वो उससे प्रभावित नहीं होता। प्रभुपाद एग्जाम्पल भी देते हैं, इवन जब सुनामी या चक्रवात भी समुद्र में आता है ना, तो जो सबसे डीप में नीचे होते हैं जानवर, उनको फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली जो मछली वगैरह होती है, नीचे का एटमोसफेयर एकदम पीसफुल, ऊपर क्या चल रहा पता नहीं। इसी तरह जो भक्त भक्ति में जितना डीप होता है, उसके जीवन में कुछ भी, कितना भी उतार चढ़ाव ना आ जाए, सुनामी भी क्यों ना आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हमारी परिस्थिति क्या है, अभी हमारी परिस्थिति है कि हम सब अभी ऊपर ही तैर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे अंदर जाने की, बट अभी ऊपर ही। तो जो छोटी छोटी वेव्स आती हैं, आप देखते होंगे कभी समुद्र किनारे जो बीच वगैरह आई है कभी, तो आपने देखा होगा कंटिन्यूस वेव्स आती हैं, तो वो हमको प्रभावित करती, अफेक्ट कर देती, कई बार बाहर निकाल कर फेंक देती, राइट। इसीलिए हम भक्ति को ऐसा प्रयास करके, इतना गंभीरता से प्रैक्टिस करके, हमें भी धीरे धीरे उसमें गहराई में उतरना, जब हम गहराई में उतरेंगे विल बिकम स्टेबल। छोटी छोटी वेव्स कब आई चलेगी पता नहीं चलेगी, बड़ी वेव्स भी आएगी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ी वेव्स आई थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट इतना भी नहीं कि हमारा पूरा कॉन्शियसनेस बिगड़ जाए। इसीलिए जब जब है आपको वो आध्यात्मिक शक्ति देगा, जिसके बल पर आप अपनी इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, उसे इंद्रिय तृप्तियों से बचा सकते हैं। ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन कंट्रोल अवर सेंस, प्रभुपाद लिखते हैं। केवल भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति से ही हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज नो अदर वे। भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि इंद्रियों को जितना हम सेटिस्फाई करेंगे वो संतुष्ट हो जाएंगे, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। एक सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हैं, हर कोई, आप देखिए हम टेस्टी फूड, जो भी हमारा फेवरेट डिश होगा, आज अच्छे से ले लिया भरपेट, है ना, लेकिन सेकंड डे थर्ड डे फिर देखेगा फिर मांगेगा, मतलब जब जब जितना भी हम इसको टेस्टी खिलाते, लेकिन जब भी मौका मिलेगा इसको चाहिए टेस्ट, राइट ना, बड़ा अच्छा हम प्रसाद खिला रहे हैं वो चलेगा। तो इन द सेम हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, आप इन्हें जितना इंद्रिय तृप्ति में लगा के संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, उतना इनका डिजायर डिमांड बढ़ता जाए, तो इनको हम सडनली ब्रेक भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए हमारी जो भी डिजायर्स हैं, हाँ सॉरी, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, उसे हम कृष्णा से कनेक्ट करते हुए पूरा करने की कोशिश करें, है ना। चलिए इसको थोड़ा अगर हम समझें और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ईटिंग में प्रसाद हम बना के कुकिंग करके खाते हैं, ओके, तो हमारा जो टेस्टी प्रसाद खाने की इच्छा है, यस, वो पूरी हो रही है जब हमने भगवान को भोग लगाया फिर लिया। सेकेंड वन इज या स्लीपिंग, स्लीपिंग में देखा जाए तो यस, टाइम पे सो जाए ताकि कल सुबह उठ के हम समय पे मंगल आरती करें, मॉर्निंग प्रोग्राम में आ सकते, है ना। इस कॉन्शियसनेस से जब आप जाते हैं, स्पेशली जैसे हम सब यहाँ गुरुकुल बिल्डिंग में रहते हैं, तो यहाँ पे हम जनरली देखा जाए तो कई बार दिन में सेवाएं ज्यादा होती है, इस वजह से हम कपड़े अपने धुल नहीं पाते, बट फिर भी रात में जाके कैसे भी करके जल्दी जल्दी उसको करके, थोड़ा लेट भी हो गया बट फिर भी, बिकॉज हमारा वो एक्ट भी क्यों, क्योंकि कल सुबह उठ के से पहनना है, भगवान की सेवा में जाना है, राइट। समटाइम्स होता है कि दिन भर टाइम निकल गया, मौका नहीं मिला, तो यस ऐसा करके।
आप सब अपना जॉब करते हैं, तो उसके भी ऐसा समझें कि यस, कि ऐसा एक कि माध्यम बना है मेरे लिए, मेरी जीविका को चलाने के लिए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कि उन्होंने मुझे इतना क्वालिफाइड बनाया है कि मैं ये कर पा रहा राइट। और उसे अपना जो भी घर के बेसिक नेसेसिटीज हैं उसके लिए यूटिलाइज करें, और कुछ अमाउंट उसका कभी भगवान की सेवा में भी आप लगा सकते हैं इस मोड से कि यस भगवान, आपने मुझे इस लायक बनाया, ताकि इस वजह से आज बाहर के लोग मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपने वो क्वालिटी, वो स्किल मेरे अंदर दिया है, इस वजह से बाहर के लोग आज मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अदरवाइज मेरा क्या क्वालिटी। करेक्ट। प्रभुपाद का एक शॉर्ट लेक्चर आया था अभी कुछ दिन पहले, किसी ने शेयर किया, तो सर प्रभुपाद स्पेशली बोलते हैं डोंट वेस्ट योर लाइफ आफ्टर लग्जरी, डोंट वेस्ट योर लाइफ आफ्टर लग्जरी, जस्ट लीव अ सिंपल लाइफ एंड चैंट हरी, यूटिलाइज योर टाइम फॉर चैंटिंग। यस, आज देखा जाए तो सारी भाग रहा है उस नेम फेम, नेम फेम ग्लोरी सेम ओल्ड स्टोरी। पहले भी लोग इसी के पीछे घूम रहे थे, कुछ नहीं मिला, आज भी वो चल रहा है परंपरा, नेम फेम ग्लोरी सेम ओल्ड स्टोरी, राइट। तो इसीलिए हमें ऐसे भक्तों के समाज में आकर, संघ में आकर वो शिक्षा, वो ज्ञान लेना चाहिए, ताकि हम अपने मनुष्य जीवन को अच्छे से भगवान की सेवा में लगा सकें, है ना। अभी देखा जाए तो ज्ञान का तो कोई अंत नहीं, आपने सुना भी होगा अनलिमिटेड, बहुत सारे फील्ड हैं, बट व्हाट इज द एंड ऑफ नॉलेज, एंड ऑफ नॉलेज इज टू नो कृष्ण। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं ये भी कि आपका मैथमेटिक्स फेल है यदि आप ये नहीं समझे कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। फिजिक्स फेल है आपका कि आप ये नहीं समझ पाए कि भगवान ने चीजें को कितना सिस्टमेटिकली अरेंज किया है कि चीजें इतनी स्मूथली चल रही। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, केमिस्ट्री में वाटर को बोलते हैं H2O, अगर आपको थोड़ा याद, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। समुद्र देख लीजिए कितना बड़ा हुआ, इतना सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन ला रहा, कहाँ से दिया आपको। ऑक्सीजन की वैल्यू शायद कोविड में पता चल गई होगी, जब हम 1 kg ऑक्सीजन का कीमत पूछे कोविड, लेकिन यहाँ पे आज हम इतने साल से भगवान को बोल रहे कंटिन्यू ऑक्सीजन, सनलाइट है ना, वाटर ले ही रहे, लेकिन उसका कभी बिल नहीं आया। घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने आ ही जाता है, पर नहीं जमा किया तो कट जाता है कनेक्शन। कितने हम ऋणी हैं भगवान। तो जब ऐसे हम मूड में, ऐसे कॉन्शियसनेस में हम जब अपने आप को रखते हैं और ऐसे वातावरण में आके कथा चर्चा हरि चर्चा करते हैं, साधु संघ का उपयोग लेते हैं, उसे गंभीरता से लेते हैं, और साथ साथ सेवा के लिए भी प्रयास करते रहते, क्योंकि जब हम मंत्र हरे कृष्णा मंत्र का जप करते तो हम भगवान से सेवा मांगते, राइट। और सेवा भी जब मिलती है हमें तो उसे भी उसी विचार से करें कि इस ये सेवा भगवान मुझे दे। ऐसे जब हम जाएंगे तो गजरी हम धीरे 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 अंदर अंदर भक्त स्थिर। लेकिन दो ही सबसे बनती है, वेरी सीरियस एंड वेरी अटेंटिव, उस समय किसी भी तरह का कोई भी कितना ही बड़ा कोई ग्रेजुएशन, आप प्लान कर लीजिए पहले से, कल मॉर्निंग में इस टाइम मुझे जब करना है, तो उस समय ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकती है तो उसको पहले ही शॉर्ट आउट कर मैनेज कर। तो जब के लिए स्पेशली बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत जितना आप ध्यान पूर्वक जब करेंगे, जितना आप गंभीरता से जब को लेंगे, उतना आप भक्ति में जल्दी ग्रो करें, राइट। एंड यस, के बाद फिर आप प्रभुपाद बुक्स पढ़ें, भाषण सुने, उसमें भी है। इज इट फ्रोजन? नेट को प्रॉब्लम है शायद। यस यस माता जी, लुक्स लाइक इट्स गुड।
जुहू मंदिर में ये प्रॉब्लम है थोड़ा। ये तो अटेंड उसको है ना चक्रवर्ती प्रभु का क्लास था, तो इसलिए वो आधा से नहीं निकल पाए, उसको पूरा बैठना पड़ा, इसीलिए इतना लेट है। देर ऑल अंडर चक्रवर्ती प्रभु द होल थिंग। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कौशल्या माता जी। बोलो माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। दशेश्वरी माता जी। अरे कृष्णा सॉरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नो प्रॉब्लम प्रभु, कैन यू पुट योर वीडियो ऑन एंड आई विल स्पॉटलाइट यू। या तो हम थे कहाँ पे? यस जब को हमें कैसे प्रभुपाद प्रायोरिटी दे। बुक्स, हाँ प्रभुपाद हाँ जब बुक्स को पढ़ते हैं, राइट जब को फाउंडेशन। प्रायोरिटी देना है उस समय हमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस अलाउ नहीं करना है उस बिटवीन, और जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं जो कथाओं में सुनते हैं उस पर विचार करते हुए उसे जीवन में कैसे उतारना है वो करने की कोशिश करनी, और ये करने के बाद हमें सेवा के लिए भी प्रयास करना है। जब हम साधना और सेवा दोनों को हमें बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा करने से आप देखेंगे जब हम कॉन्शियस होकर चीजों को कर रहे हैं, चाहे सेवा कर रहे हो चाहे जप कर रहे हो चाहे बुक्स पढ़ रहे हो, वी शुड बी कॉन्शियस फर्स्ट देन विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस राइट। तो ऐसा करके हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और अपने इस कीमती समय को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में बिल्कुल लगाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।